हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। डैंड्रफ रूसी के लिए अपनाइए दादी नानी 10 असरदार घरेलू नुस्खे। किचन एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं का अधिकतर समय व्यतीत होता है और इस जगह पर हमारे काम की कई चीजें भी मौजूद रहती हैं। आज हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ से छुटकारा पाने के कुछ ऐसे घरेलू किचन टिप्स की, जो आपके डैंड्रफ या रूसी की समस्या को दूर करने में काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। टिप नंबर 1, आंवला। विटामिन सी युक्त आंवला स्कैल्प के रूखेपन को दूर कर डैंड्रफ से निजात दिलाता है। आंवले का हेयर पैक बनाने के लिए आंवला पाउडर को पानी में मिक्स कर लें। अब इसमें 8 से 10 पत्ते तुलसी के डालकर मिक्स कर इसका पेस्ट बना लें और इसे करीब आधे घंटे बालों में लगाकर छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से बालों को वॉश कर शैम्पू कर लें। टिप नंबर 2, दही। डैंड्रफ की समस्या में दही बहुत ही कारगर है। 1 कप दही में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर इसे बालों की जड़ों पर लगाएं। कुछ देर बाद बालों को धो लें। कुछ समय बाद ही आपको फर्क नजर आने लगेगा और इस उपाय से बालों को पोषण भी मिलता है। टिप नंबर 3, अरहर की दाल। अरहर की दाल को रात भर पानी में भिगो लें और अगली सुबह इसे पीसकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद सिर धो लें। ये उपाय रूसी या डैंड्रफ की समस्या से आपको जल्द ही छुटकारा दिलाएगा। टिप नंबर 4, संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। संतरे के छिलके में पाए जाने वाले तत्व बालों के अधिक तेल को कम करता है। संतरे के छिलके के साथ नींबू को पीस लें और पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को बालों में लगाएं और आधे घंटे बाद बाल धो लें। रूसी की समस्या से जल्द ही निजात मिलेगी। टिप नंबर 5, एलोवेरा। सर्दियों के मौसम में डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा जेल से बालों की अच्छी तरह से मसाज करें और कुछ देर बाद ठंडे पानी से बालों को धो लें। डैंड्रफ की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। टिप नंबर 6, नारियल। नारियल के तेल में थोड़ी सी कपूर मिलाकर एक डिब्बे में रख लें। अब रोजाना नहाने से आधा घंटा पहले इससे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मसाज करें। कुछ ही दिनों में डैंड्रफ की समस्या दूर होने लगेगी। टिप नंबर 7, टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसीलिए रूसी की समस्या दूर करने के लिए शैम्पू में टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर सिर धो लें। कुछ ही इस्तेमाल के बाद आपकी डैंड्रफ या रूसी की समस्या दूर होने लगेगी। टिप नंबर 8, नीम। नीम के पत्तों को बारीक पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर बालों में 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें और कुछ देर बाद बालों को शैम्पू कर लें। डैंड्रफ की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी। टिप नंबर 9, नारियल और नींबू। रूसी की समस्या से जल्दी छुटकारा पाना है तो सरसों या नारियल के तेल में 1 नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ लें। अब इससे बालों की जड़ों में हल्के हल्के मसाज करें। कुछ देर रखने के बाद बालों को अच्छी तरह से धो लें। टिप नंबर 10, बेसन। पानी की मदद से बेसन पाउडर का पेस्ट तैयार कर लें और इस पेस्ट को बालों में 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से लगाकर छोड़ दें। अब बाल धो लें। रूसी या डैंड्रफ के लिए ये एक बेहतर और कारगर उपाय है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।